student court or something, or you just need to come and you will hear everything. Okay. यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी चीज़ है इसको। सो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं क्रेमलिन के नाइट लाइफ को एंजॉय कर रहा था, वहाँ पे घूम रहा था, बहुत ही अच्छे वाइब्स थे वहाँ पे। और अभी मैं आया हूँ हाउस ऑफ कल्चर, यहाँ पे एक म्यूज़ियम है। वैसे म्यूज़ियम में मुझे खास इंटरेस्ट तो है नहीं, बट म्यूज़ियम में आपको एंट्री फ्री है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और इसमें प्लेग्राउंड भी है, लाइब्रेरी है, रेस्टोरेंट है, शॉप्स है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, और रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ स्कैन करना पड़ता है, अपना जो डिटेल है आपका वो फिल करिए और आप फ्री में एंट्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अंदर की तरफ। पता नहीं कैमरा अलाउड है नहीं, मुझे नहीं पता, पर देखते हैं। ये रहा सिक्योरिटी चिकन, और सामने आप देख सकते हैं कि सो भाई ये है हाउस ऑफ कल्चर, काफ़ी बढ़िया है, बहुत भीड़ है लोगों की, और ऊपर आप काफ़ी अच्छा आर्किटेक्ट है देख सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे बैठ के लोग फैमिली एंजॉय कर रहे हैं अपना। ऊपर में भी जाने वाला है, ऊपर में जाके देखेंगे, अभी नीचे को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बुक्स मुझे दिख रहे हैं, चल के देखते क्या है। सारे रशियन बुक्स हैं, 15,980 का ये परफ्यूम है। ओ भाई, 20,080 का ये परफ्यूम है, 23,000 का परफ्यूम है। ये देखो भाई, सो गाइस ये देखो 3,700 रूबल्स की ये स्कार्फ समझ लो। हाँ, वाह, अच्छी चीज़ें हैं। $2,380 का ये कैप है भाई। सामने ये कैफे एज यूजुअल, लिफ्ट से भी जा सकते हो। सो गाइस अपन चलते हैं नीचे, और नीचे चल के देखते हैं क्या है। पेंटिंग देखो, बढ़िया पेंटिंग है अनंत। ये क्या पेंटिंग है, ये तो अपन भी बना सकते हैं। हेलो गाइस, ये पेंटिंग को लाइक आपको खुद से पेंटिंग करना है, ठीक है, इसलिए इसको ब्लैंक रखा गया है। अपने विचारों से जो आपको मन करे उसको चित्रित करिए। क्या पेंटिंग है भाई, देखो गाइस पेंटिंग में भाई क्या है। ये है लाखों करोड़ों का पेंटिंग, और ये हमारे UKG LKG के बच्चे भी बना देते हैं। ये सलमान भाई ने बनाया क्या? ये मजनू भाई का पेंटिंग है। सलमान भाई का पेंटिंग में मिलेगा हिरन की तरह। ये बढ़िया है, ये लाखों करोड़ों का है, और इससे अच्छा तो मेरा बेटा भी पैदा हुआ वो बनाता है सब चीज। भाई एवेंजर का जो विलेन था थानोस, उसका जो स्टोन है वो इसमें एक रखा हुआ है, उसको अभी मालूम नहीं है, उसको आना पड़ेगा मॉस्को में। स्टिल सर्चिंग, वो सर्च कर रहा है अभी, पर ये वीडियो जाने के बाद क्या पता उसको पता चल जाए और वो आके ले जाए यहाँ से। ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए, देख के जाइए, आपकी आंखें चौधिया जाएंगी। इट क्रिएट्स इल्यूजन, अच्छा बनाया भाई, यूनिक, बहुत ही यूनिक कलाकारी है। वाओ,
This is the beauty, you can select. Yes. यहाँ पे देख सकते हो आप. So भाई यहाँ पे देख सकते हो आप. यहाँ पे फोटो पॉइंट है और यहाँ पे अपन भी फोटो लेंगे. अभी फिलहाल किसी का फोटो शूट चल रहा था, अभी चलते हैं वहाँ पे फोटो लेते हैं. भाई ये जो पॉट्स आप देख रहे हो और इस पे आवाज़ आ रही है, ध्यान से सुनो. ये ऐसे ही नहीं है, ये वाटर म्यूजिक है. इससे म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा है और पूरे रूम में शांति है तो सुनाई दे रही है. हो सकता है फ़ोन मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, पर अच्छा साउंड है, सुन सकते हो. सेम इसमें भी वाटर म्यूजिक, ऊपर से वहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, वहाँ से पानी आ रही है, बर्तन भी गिर रही है, उससे म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा है. Да, ну как бы не фокусируешь внимание. आग देख सकते हो आप भाई, वाह. ये तो लाइट ऑन करके ऐसा लग रहा है सारा कूड़े कचरे से बनाया गया. आप देख सकते हो जैसे ये बॉटल्स, ये पानी की बॉटल्स, एरियल्स, बहुत कुछ है इसमें. बट जैसे ही लाइट ऑफ हो रहा है तो क्या लग रहा है, बहुत ही तगड़ी व्यू है. इसको बोलते हैं आर्ट. माय गॉड, प्योर आर्ट, दिस इज प्योर आर्ट. Oh my goodness, man. I like it. ऐसा मैंने तो नहीं देखा था पहले. So guys, this is the headphone. और यहाँ पे आप जो भी मूवी चलेगी वो इस पे आप सुन सकते हो और देख सकते हो. Thank you. You're welcome. So you shouldn't put or something, or you just need to come and you will hear everything. Okay. If you have some problems, you can call me. Okay. Thank you. मैं इसमें सुन सकता हूँ जो भी ऑडियो बज रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें, पर ये नेटिव लैंग्वेज में है तो कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा. अंग्रेजी सुनेगी और इंग्लिश में आपको वो जो मूवी थिएटर है पीछे मेरे, वहाँ पे आपको इंग्लिश में सुनाई देगा. जहाँ मैं जा रहा हूँ, जिस स्क्रीन के पास भी जा रहा हूँ, वहाँ की फ्रिक्वेंसी ये मैच कर ले रही है और खुद ब खुद आवाज़ आने लग रहा है. इसके अंदर भी मूवी चल रही है भाई. और ये वीडियो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ जहाँ पे लोग रहते हैं.
और ये जो आप देख रहे हो ये सारे कॉर्नर पे स्क्रीन्स लगे हुए हैं, सब में कुछ ना कुछ फ्लेवर है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है इसमें। और गाइज ये है लाइब्रेरी यहाँ की, सेपरेट लैंप्स भी हैं, सेपरेट केबिन भी है, काफ़ी अच्छी सेटिंग्स है। चलो ये देखो कैसे स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है, काफ़ी बढ़िया है। माय गॉड, और भाई ये प्लेस है जहाँ पे आप बैठ सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो, कुछ लोग को पढ़ाई भी कर रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा स्पॉट है। और भाई इससे बाहर आते ही आप देख सकते हो इसी कंपाउंड में है प्लेग्राउंड, यहाँ पे सब रेस्ट कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और जो अंदर में कैफ़े है वहाँ से सामान लेके आप यहाँ पे आके बैठ के खा सकते हो, पी सकते हो, जो करना है कर सकते हो। भाई वैसे बोलूँ तो म्यूज़ियम वगैरह मुझे कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, बट यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, देखना चाहिए म्यूज़ियम, काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा इंक्रीज हुआ इस चीज़ पे। अभी वैसे यहाँ पे तो बहुत सारे म्यूज़ियम हैं पर सब जा नहीं सकता, पर जो भी फेमस होंगे मैं वहाँ जाने का ट्राई करूँगा और आपको दिखाऊँगा। फ़िलहाल वक्त है यहाँ से निकलने का और कहीं दूसरे स्पॉट पर जाने का। सो गाइस एज यू कैन सी कि मैं वहाँ से बाहर आ चुका हूँ और Она зарастает прозрачной водой. О, воды смерти вина, я прощаюсь с тобой. А после зла... Ты чё, он ещё назывался Джипси Хуипси. So guys, अभी मैं आ चुका हूँ रिवर के एक ब्रिज है उस पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं मेरे पीछे, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। ये रिवर अभी धूप तो काफ़ी है बट कोई नहीं, चलता है, तो चल रहा है। पायलट्स ऑफ द कैरिबियन एक शिप पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी नाइस। सो गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा क्रूज है, ये दिन में भी चलता है और रात में भी, पर जो असली मज़ा है वो शाम से रात के बीच है क्योंकि पूरे शहर में लाइटिंग रहती है तो बहुत ही मज़ा आता है। और वैसे चार्जेस बताऊँ तो अप्रॉक्स 800 रूबल है एक डेढ़ घंटे का, तो वर्थ इट है, आप कर सकते हो। सो गाइस नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बिजनेस सेंटर ऑफ मॉस्को और काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर, बहुत क्राउड होती है, सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते ही आते हैं इसको देखने के लिए। चलिए चलते हैं मेट्रो से और पहुँचते हैं और दिखाते हैं आपको इस सफ़र को। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ बिजनेस सेंटर की तरफ और बहुत जल्द उसके नज़दीक भी पहुँचने वाला हूँ और
बन गया। इंटरप्लैनेटरी स्पेस स्टेशन मून पे नहीं गया था, ये वेनस पे गया था। जो आप देख रहे हैं ये एयर स्पेस वॉक के लिए यूज किया जाता था। ये है भाई एयर स्पेस स्टेशन। और भाई ये रहा अपना प्यारा भारत का झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।